Hey guys, assalamu alaikum, welcome back to my channel Shamas Kitchen and Blog. तो आज जो मैंने रेसिपी बनाई है ना, मुझे खुद को भी नहीं पता था कि ये इतनी बेहतरीन बन जाएगी। तो चिकन रोगन जोश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक हांडी और उसमें मैंने डाल दिया है भर के ऑयल, क्योंकि हमें फ्राई करना है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें मैंने एक चम्मच नमक डाला है। नमक जो है आप लोग स्वाद के अनुसार डालिएगा, ठीक है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब मैंने यहाँ पे हाफ के जी चिकन लिया है, उसे अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है अच्छे से, ताकि पानी जो है ना सारा निकल जाए। और 2 से 3 हरी मिर्चों को बीच से कट करके इसमें डाल दिया है। अब हाई फ्लेम पे ना हमें 5 से 7 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस 5 से 7 मिनट बहुत है। अच्छा, जब ये मैं बना रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन बहुत बेहतरीन बना। जो भी बना बड़े मज़े का बना, शादी वादी से कम नहीं था। तो ये रेसिपी ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में ना सबको पसंद आएगा। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया है। फ्राई होने के बाद मैं इसे निकाल लेती हूँ, निकाल के एक साइड पे रख लेते हैं। अच्छा, जो ऑयल हमारा जो है ना, तो इसमें से ना आप लोग जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लीजिएगा और जितने में बनना है ना उतना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है ना ग्रिल कर लेते हैं चिकन को, थोड़ा सा उसमें जो स्वाद है ना, स्मोकी वाला जो स्वाद है ना, वो हमारे चिकन के अंदर आ जाए और जो मज़ा आएगा ना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ग्रिल करने के लिए रख दिया है। तो ग्रिल के ऊपर ना जो ऑयल हमारा जिसमें हमने फ्राई किया था, वही ऑयल मैंने इसके ऊपर लगा दिया, ताकि चिकन जो है ना इसमें चिपके ना। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। अब इसे ज़्यादा हमें स्मोक नहीं लगाना है, बिल्कुल कलर चेंज वाला नहीं करना है, बस इतना करना है, हल्का हल्का सा करना है, ताकि इसके अंदर है ना इसके स्वाद जो है ना, स्मोक वाला स्वाद आ जाए। वो जो इसमें फ्लेवर आएगा ना, ओए होए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसी तरीके से मैंने सारे पीसेस जो भी थे सबको मैंने यहाँ पे स्मोक लगा लिया है, फ्राई करके स्मोक लगा दिया है। अब जो ऑयल है थोड़ा सा बचा है, इसमें से अब क्या करना है, यहाँ पे ले लिया है 2 तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 जावित्री का फूल, और यहाँ पे प्याज जो है ना, प्याज मैंने लिया है 2, तो उसे मैंने ना चॉपर से चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक बारीक, ठीक है। तो आप लोग हाथ से करेंगे तो भी बारीक ही कीजिएगा। अब सारी चीज़ों को एक साथ डाल देना है। डालने के बाद जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन होने लग जाए, तब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अब इसे 5 मिनट इसे चलाइए, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। 5 मिनट हो गए। 5 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं, उन्हें भी चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था। तो आप चाहे तो इसका ना पेस्ट बना के डाल दीजिएगा, ठीक है, अगर चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अब इसी के साथ यहाँ पे मैंने 1 छोटी कटोरी से दही डाल दिया है। ये घर का जमा हुआ दही है, तो खट्टी दही मत लीजिएगा और पतली भी मत लीजिएगा। अब इन्हें अच्छे से चला लीजिए। चलाने के बाद कुछ स्पाइसेस हैं, मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें से मैंने लिया है 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाले का पाउडर। अब इन्हें अच्छे से चला लीजिए। चलाने के बाद अब मैं इसमें ना, अच्छा, गैस का फ्लेम जो है ना अभी लो ही रखना है, ठीक है, लो रखना है। और उसके बाद मैं इसमें सारे मसालों को मिलाकर इसमें थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ, ताकि स्वाद जो है ना और बढ़ के आ जाए। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भुनना है। देखिए इस तरीके से ऑयल छूट चुका है। अच्छा, जब ये मसाला हमारा पूरा अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा ना, तो हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध लिया है, दूध में हल्की सी मलाई भी थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। अब इसे लो फ्लेम पे ढक करके मैं पकाऊंगी, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। 5-7 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है, और देखिए कितने अच्छे से मसाला एकदम गल चुका है, एकदम भुन चुका है, ऑयल इतने अच्छे से छूट चुका है। जब इस कंडीशन में आ जाए, तब जो हमारे फ्राई वाले चिकन थे उसे हमें डाल देना है इसके अंदर। नमक हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही ऑयल में नमक डाल दिया था, इसलिए। अब इसे अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद यहाँ पे मैं रखूंगी इसमें, देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना, लग रहा है ना एकदम लजीज। तो यहाँ पे अब मैं रख रही हूँ इसमें 1 चम्मच काली मिर्च, जीरे का भुना हुआ पाउडर और थोड़ा सा पानी, ताकि ये जो हमारे चिकन डालने के बाद जो है ना ये चिपके ना नीचे से, बस इतना, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसे अच्छे से चला लीजिए, चलाते रहिए चलाते रहिए, ज़्यादा भी नहीं चलाना है कि चिकन टूट जाए। अब इसे क्या करना है, इसे ढक करके लो फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए और जो हमारा मसाला है ना वो फ्लेवर में आ जाए और बहुत मज़े का हो जाए। अब इन्हें अच्छे से भून लीजिए। भून करके देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है इसका, और इसी स्टेज पर आप लोग नमक चेक कर लीजिए, और बस क्या, बनकर तैयार है। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। Take care.